व्यूअर्स, क्या हाल भाई यंगस्टर्स? यार ये क्या कर दिया, कैसे आपने अपने सफ़र की शुरुआत की है पहले ही दौरे में जिम्बाब्वे से ये 13 रन से हार गए। और यहाँ पर भारतीय टीम अभी पिछले वीक ही वर्ल्ड कप जीती और उसके बाद ही ये दिन देखना पड़ेगा भाई। ये तो किसी ने नहीं सोचा था, इतने लो स्कोरिंग मैच में आज इंडियन क्रिकेट के लिए बहुत ही ख़राब दिन था। आज के दिन 3 डेब्यू करा गए और कुछ भी नहीं कर पाए वो तीनों लोग, और प्रेशर सिचुएशन में खुद को नहीं ढाल पाए। ध्रुव जुरेल टेस्ट में बहुत अच्छा किया बट इस मुकाबले में बहुत निराश किया। पिच पर रुकने की कोशिश की, अगर आप सर्वाइव करने की कोशिश करोगे तो यहाँ बिल्कुल नहीं टिक पाओगे, आपको सेंसिबल गेम खेलनी चाहिए थी। बात करते हैं भाई शुरू से, इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे फर्स्ट T20 यहाँ पर खेला गया और पहले बल्लेबाजी आती है यहाँ पर जिम्बाब्वे की टीम की और शुरुआत उनकी बहुत शानदार होती है बट फिर लगातार झटके लगते रहते हैं उनके। एक टाइम पर वो 91 रन पर उनके 9 विकेट गिर जाते हैं बट शानदार 25 रन की पार्टनरशिप लगती है और वो 25 रन इतने भारी पड़ेंगे इंडियन टीम पर, मैंने भी नहीं सोचा था। मेरे को लग रहा था कि भाई टीम इंडिया बेशक से क्लोज एनकाउंटर करके जीतेगी बट जीत जाएगी, बट हैट्स ऑफ टू जिम्बाब्वे टीम भाई। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनके जो खिलाड़ी अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे भाई शुरुआत के ओवर में, भाई बहुत ही गजब की उनकी परफॉर्मेंस थी और कहीं भी ये नहीं लगा भाई टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत पाएगी। बेशक से कमेंटेटर बायस्ड थे और ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि भाई कि कैसे ना कैसे इंडिया की टीम इस मुकाबले को निकाल लेगी, बट जिम्बाब्वे की टीम ने साबित कर दिया कि वो चैंपियन को भी हरा सकते हैं। और वो T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी नहीं होते भाई, लास्ट वो शायद युगांडा से वो मैच हारे थे, उसके बाद सर्वाइवल बहुत जरूरी था। अगर वो ये इंडिया से हार जाते इन यंगस्टर से भी तो कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे की टीम के लिए कुछ खोने को था ही नहीं। यहाँ पर खोने के लिए इंडियन टीम के पास भी इतना नहीं है, पर ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सारे यंगस्टर्स हैं। और जो वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि विराट रोहित को बाहर भेजो और हमारे यंगस्टर्स कर लेंगे, यंगस्टर्स का देख लेना, अगर एक भी सीनियर टीम में नहीं होगा तो टीम का क्या हाल होगा। शुभमन गिल भी यहाँ फिसलते हुए दिखे और कहीं ना कहीं वो भी इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग करते हुए गए हैं। युवराज का क्वाइट से काफ़ी मुझे उम्मीदें थी कि वो थोड़ा सा मैच्योर इनिंग खेलेंगे बट बिल्कुल भी नहीं, घबराए हुए और नर्वस किस चीज़ को लेकर थे भाई। यहाँ पर किस चीज़ को लेकर नर्वस, और ऋतुराज गायकवाड़ जब भी इंटरनेशनल क्रिकेट में आएगा हमेशा घबराया हुआ नज़र आता है और उससे जो उम्मीदें रहती हैं कि वो बड़े मुकाबले में और अपनी लीडरशिप क्वालिटी या फिर बड़े मैचों में परफॉर्मेंस करेगा, वो यहाँ पर नॉर्मल सीरीज़ में भी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तो दावेदारी अपनी कमज़ोर करता जा रहा भाई गायकवाड़। अगर आप भारतीय गेंदबाजी देखोगे ना तो भाई गेंदबाजी मुझे कोई कमी नहीं लगी। रवि बिश्नोई 4 विकेट लेते, सुंदर 13 रन देकर 2 विकेट निकालते, आवेश खान का भाई बहुत ही ख़राब दिन था आज गेंदबाजी में, तो कुछ नहीं कर पाए। जहाँ किसी भी गेंदबाज ने 20 से ऊपर रन नहीं दिए, ये 4 ओवर में 29 रन देता है। यहाँ पर कम से कम इनको 15 रन देकर 2 या 3 विकेट निकालने चाहिए थे आवेश खान को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई जिम्बाब्वे के गेंदबाज की आप बात कर लीजिए भाई, कितनी कमाल की उनकी लेंथ थी, उन्होंने ना ज़्यादा आगे रखी ना ज़्यादा पीछे रखी, गुड लेंथ को उन्होंने कवर किया। और आवेश खान की मेरे हिसाब से कोई एक्यूरेसी नहीं थी और जिस हिसाब से वो काफ़ी महंगे गए और उनको रडार पे लिया गया भाई आज जिम्बाब्वे के बैटर द्वारा। खलील अहमद की भी आज काफ़ी ख़राब गेंदबाजी थी, अच्छे गेंदबाज है, बड़े मुकाबलों में विकेट निकालते हैं वो, और कल ही इंडिया को दूसरा T20 यहाँ पर खेलना है। भारतीय टीम कुछ बदलाव जरूर कर सकती है बट यहाँ पर जो भारतीय गेंदबाजी है ना उसमें मेरे हिसाब से फास्ट बॉलर्स ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुकेश कुमार भाई अपने पहले ओवर में विकेट लेकर जाते हैं, दूसरा ओवर उनका महंगा जाता है। मुकेश कुमार को यहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए थी भाई वो विकेट निकाले ज़्यादा से ज़्यादा, एक विकेट से आप मुकाबला नहीं जीतते। वहाँ पर जो रवि बिश्नोई है वो मुकाबले में वापस लेकर आते बट भारतीय पेसर ने मुझे यहाँ बहुत निराश किया है। अगर वो फॉर्म में होते जिम्बाब्वे की टीम 70-80 पर ऑल आउट कम से कम होनी चाहिए थी। यहाँ पे वो कम उनको 100 क्रॉस करने ही नहीं देना चाहिए था। भारतीय टीम की वही कमी थी कि वो लाइटली ले गए। 115 का स्कोर आपको लगता है कि बहुत आसानी से बनेगा बट जिम्बाब्वे में 115 स्कोर के भी डाले पड़ जाएंगे। और आज एक नया रिकॉर्ड बन चुका है कि भाई जो शुभमन गिल है वो भारतीय टीम के 3रे कप्तान हैं जो कि जिम्बाब्वे से आ रहे हैं। पहले 2 कौन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बात करते हैं जिम्बाब्वे ने लोवेस्ट स्कोर डिफेंड किया इंडिया के खिलाफ, इतना लोवेस्ट स्कोर किसी टीम ने डिफेंड नहीं किया इंडिया के खिलाफ, ये भी एक ख़राब रिकॉर्ड हमारे खिलाफ बन गया है। अब बात करते हैं भाई कि जिम्बाब्वे की गेंदबाजी कैसी रही। इंडियन प्लेयर भाई 3-3 खिलाड़ियों का डेब्यू होता है और तीन खिलाड़ियों का डेब्यू करवाते हैं और अभिषेक शर्मा भाई पेशेंस तो इनमें आज दिखे ही नहीं। ये जो इंडिया के यंगस्टर्स हैं ज़्यादातर ये फ्लैट पिच पर खेलकर बड़े हुए हैं और वहीं की कंडीशंस के हिसाब से ये शॉट लगाते हुए नज़र आए हैं बट आज जैसे ही ट्रिकी कंडीशन हुई और जहाँ पर इनको पेशेंस दिखाने चाहिए थे 1-2 ओवर मैडन खेल जाते, कुछ नहीं जाता भाई। यहाँ पे अगर आप सिंगल डबल भी खेलते तब भी कोई दिक्कत नहीं बट जिम्बाब्वे ने स्टार्टिंग में यही स्ट्रैटेजी अपनाई कि इनको स्ट्राइक रोटेशन ही नहीं करने देनी और वहाँ से हम आराम से मुकाबला निकाल ले जाएंगे। और टीम इंडिया का पावर प्ले में सबसे ख़राब परफॉर्मेंस था ये, 23 रन देकर 4 विकेट भारतीय टीम के, जो कि मुझे बहुत ख़राब लगा ये सब देखकर। जिम्बाब्वे की गेंदबाजी आप देखोगे तो भाई उनके जो हर एक गेंदबाज ने अपना 100% दिया, चाहे उनके आप ब्रायन बेनेट की बात कीजिए,
पहला ओवर करवाया अभिषेक शर्मा के लिए, लेकर आए ऑफ स्पिनर लगाए उसी ओवर में ले गए, इनका काम था सिर्फ अभिषेक शर्मा को निपटाना। दूसरा ओवर भाई वेलिंगटन वासा का जो लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कराई और आवेश खान का विकेट निकाला, इन्होंने इंपॉर्टेंट आवेश खान अटैक कर रहे थे, वो एक बेवकूफाना शॉट उन्होंने लगाया फुल टॉस पे, सिक्स भी नहीं लगा पाए और कैच थमा दिया। उसके बाद भाई तेंदाई चतारा बड़े विकेट इन्होंने निकाले और 3 विकेट लिए इन्होंने 4 ओवर में 16 रन देके, भाई शेम ऑन आवेश खान की जो गेंदबाजी थी बहुत ही घटिया थी आज। वहीं ब्लेसिंग मुजरबानी कमाल का इन्होंने सेकंड लास्ट ओवर निकाला, 1 से 2 रन कम से कम दिए थे। उसके बाद ल्यूक जोंगवे इन्होंने भी थोड़े से महंगे रही और सिकंदर रजा 4 ओवर में 25 रन देकर 3 विकेट। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू जिम्बाब्वे टीम एंड इंडियन यंगस्टर्स, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है और मैच्योर आपको इनिंग खेलनी होगी। यहाँ पर कोई आपका 200 का स्ट्राइक रेट आप 50 में 100 नहीं बनाओगे आप यहाँ पर ऐसे ग्राउंडों पर। यहाँ पे आपको अगर आप 23-35 बॉल में 50 लगाते हो ना, वो भी बहुत बड़ी बात है, इसलिए आपको पेशेंस फुली दिखाना है। अब देखते हैं सेकेंड T20 में क्या होता है, क्या जिम्बाब्वे की टीम भारतीय टीम को फिर से रौन देगी। कॉन्फिडेंस तो भाई इस बार जिम्बाब्वे का हाई है, उनके कप्तान भी काफ़ी कॉन्फिडेंट है, शुभमन गिल काफ़ी अंडर प्रेशर दिखे और वो अपने आप को भी रिस्पॉन्सिबल उन्होंने माना कि उनकी गलती थी और भारतीय बल्लेबाजों से भी वो अच्छे खासे निराश थे। आप बताइए भाई आपको इस मुकाबले में भारत की हार का असल जिम्मेदार कौन था, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।